हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो मैथ्स फॉर जेके एसएसबी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ्स के डेली बेसिस पे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो आज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है। तो चलिए आगे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जहाँ पे आपने अल्टरनेटिव बताना है, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल, तो इधर आपने बताना है इनमें से कौन सा जो डिफरेंट है इन सब में से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बास्केटबॉल है वो तीनों से डिफरेंट है, क्योंकि जो सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल और क्रिकेट, जहाँ पे जो बैट और बॉल यूज़ करते हैं, लेकिन बास्केटबॉल में हम सिर्फ क्या करते हैं, बास्केट और बॉल का यूज़ करते हैं, बाकी सब में हम स्टिक और बॉल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन ये होते हैं, आपने इस प्रैक्टिस को अच्छे से लगाना है और इनमें अच्छे से अच्छा जो अपना स्कोर है वो बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं PRSU SU WY, तो इधर देखिए PRSU, यानी कि देखिए पी में क्या कर रहा है, इधर पी में एक प्लस हुआ आर, ठीक है, आर में पी में दो प्लस हुए, ठीक है, पी क्यू आर, और आर में एक प्लस हुआ एस, और एस में दो प्लस हुए टी ओ यू, यानी कि पहले कितने ऐड हुए, टू, फिर वन और फिर टू ऐड हुए, टू वन टू। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम एस यू, तो एस में कितने ऐड हो रहे हैं, दो ऐड हो रहे हैं, यू में कितने ऐड हुए, डबल यू तक दो ऐड हुए, और डबल यू से बाई तक भी दो ऐड हुए, यहाँ पे दो दो ऐड हुए। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, फिर हमें मिल जाएगा एच में जे तक दो ऐड हुए, जे से एल तक दो ऐड हुए, और एल से एन तक दो ऐड हुए। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन ही डिफरेंट है, PRSU इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा, ठीक है। जो रीजनिंग होता है वहाँ पे आपने अपने अपने मेथड से जो क्वेश्चन बनते हैं, अपना अपना लॉजिक इधर लगता है, कोई भी लॉजिक आपका लग रहा हो आपने उसे अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 125, 236, 799, 347, देखिए इधर क्या बन रहा है आपका। सबसे पहले जो 125 है ये परफेक्ट क्यूब है 5 का, तो बाकी ना तो 789 है, ना 346 है, ना 236 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 256, 225, 196, 131, तो इधर 131 हो जाएगा, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 196 14 का, और ये किसका हो जाएगा, 16 का, 15 का, ठीक है, 14, 15, 16 का आपके पास स्क्वायर दी है, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, तो 131 किसी का भी नहीं होता। अगर 121 होता तो वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगर किससे खत्म होती है, फूड से, तो डिजीज किससे खत्म होती है, वीकनेस से, सिकनेस से, वाटर से या मेडिसिन से, तो इधर क्या हो जाएगा, इसी तरह जो डिजीज है वो किससे बॉडीड ऑफ होती है, मेडिसिन से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 11 और 7 का बताना है, ठीक है, 3 का 11 से और इसका बताना है, यानी कि 11 कैसे बना होगा, 3 का 3 का स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह हम करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2, 49 प्लस 2 कितना होगा, 51, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17, 52 और 1 का हमने निकालना है, ठीक है, 17 का 52 के साथ रिलेशन दिया है, यानी कि 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया +1, 17 को 3 से करेंगे 51 प्लस 1 52, और इसी तरह 1 को किसके साथ करेंगे, 3 के साथ +1, 3, 1, 3 और +1 कितना हो गया, 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में आपने सीरीज फिल करनी होती है, सबसे पहले ऑप्शन फिल कर लेते हैं हम, ए वाला बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए और ए, उसके बाद बी और सी, तो देखिए इसे देखते हैं, सबसे पहले सीरीज बन रही है बी बी सी और ए सी सी ए, ये वाला तो ऑप्शन इधर नहीं बन रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज डालते हैं बी बी सी सी ए, ठीक है, बी बी सी सी ए, उसके बाद सी सी ए ए ए बी, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में ही कुछ बन रहा है बी बी सी, ठीक है, बी बी सी और बी बी सी सी, ठीक है, क्या बन रहा है आपका, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, उसके बाद सी सी ए ए बी, ए बी बी सी, तो उसके बाद बी बी सी ए, ठीक है, तो फर्स्ट ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी फिल करना है, सबसे पहले बी फिल करेंगे, उसके बाद दोबारा बी फिल करेंगे, उसके बाद दोबारा बी फिल करेंगे, और उसके बाद सी फिल करेंगे, ए ए बी बी, उसके बाद ए बी बी सी, ये वाला ऑप्शन जो इधर है वो नहीं बन रहा है, और नेक्स्ट ऑप्शन फिल करते हैं बी बी ए और बी,
ठीक है, बी बी ए और बी, ए बी ए ए बी बी, उसके बाद ए बी बी सी, ये भी नहीं बन रहा। उसके बाद थर्ड वाला चेक करते हैं, सी ए बी ते सी, ए ए बी सी, ए बी, ये भी नहीं बन रहा। लास्ट वाला सी बी ए बी, तो ये बन रहा होगा ए ए बी सी, बी सी ए बी सी ए बी सी सी ए बी सी ए बी बी सी, तो ये बन रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर इस सीरीज में बताना है, इस सीरीज में रॉन्ग नंबर आपने बताना है, क्या रॉन्ग नंबर आपका होगा, ठीक है। तो देखिए 445 के बाद आपका क्या बन गया, 445 के बाद 221, तो वो कैसे बनता है 445 के बाद 221, हम क्या करते हैं 445 में से तीन माइनस करते हैं, 445 में से कितने माइनस करते हैं तीन, तो तीन माइनस करेंगे तो 442, इसको दो से डिवाइड करेंगे तो 221 आ जाएगा, ठीक है, 221 आ गया। अब 221 को हम माइनस थ्री करेंगे, 221 को कितना करेंगे माइनस थ्री करेंगे, कितना आ जाएगा 218, तो 218 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 109, इधर देख ठीक आ रहा है। अब 109 में से कितने माइनस करेंगे तीन, 106 आ जाएगा, 106 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 के तो 53, तो जहाँ पे 46 आ रहा है, तो जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 93, 309, 434, 498, 521 और 533, यहाँ पे भी आपने जो रॉन्ग नंबर है वो बताना है, ठीक है। 93 से कहाँ पे चले गए हम, 309 पे, तो 309 पे इधर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है जहाँ पे, तो हम देखते हैं कितना ऐड हो रहा है, 9 में से 3 माइनस किए तो 630 में से, यानी कि 216 ऐड हुआ, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब ऐड हो रहा है, इसी तरह याद रखते हैं। इधर देखते हैं कितना ऐड हुआ, तो इधर कितना ऐड हुआ आपका, इधर ऐड हो रहा है 14 में से 9 जाएगा तो 5, तो 125 यानी कि 125, 5 का क्यूब ऐड हुआ, ठीक है। इधर 6 का, इधर 5 का होगा, इधर 4 का, इधर 2 का, ठीक है, इधर 3 का होना था, तो इधर 3 का, अगर 3 का क्यूब ऐड होगा तो 27, तो 9 और 7 15 होते हैं, तो इसका मतलब इधर कौन सा नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा, 521, इधर 525 आना था, ऑप्शन नंबर जो क्या है डी इज़ द राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट आपने सीरीज कंप्लीट करनी, ए बी सी और जहाँ पे डी आने वाला है, इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, आई के बाद जे के और एल, डी के बाद एल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज जी टी एम एन, यानी कि अपोजिट अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, ए के बाद क्या पहुंच गया, जेड, सॉरी जी, फर्स्ट के बाद 7 और 7 के बाद 13, यानी कि 6 ऐड हुए और 13 के बाद कितना पहुंच जाएगा, 6 और ऐड होंगे तो 19, तो 19 से पहले पी क्यू एस वाला नंबर होता है, ठीक है, एस और एच, एस के अपोजिट में हमेशा क्या रहता है, एच, तो एस एच, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का कोड आपको दिया जा रहा है, एग्जिम का पूछा जा रहा है, ई एक्स का कोड कितना आ जाएगा, 12, ई एक्स का कोड 12 हो गया, उसके बाद आई एम, तो आई एम आप, आई ये है, ठीक है, जहाँ इधर देख सकते हो ई एक्स आई एम, तो आई का कोड क्या है, 1212, क्या हो रहा है, ई एक्स आई, आई का कोड दोबारा देखिए, एग्जामिनेशन, ई एक्स आई एम लिखना है, एग्जामिनेशन का कोड, एग्जामिनेशन का कोड आपका क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। सबसे पहले तो ई एक्स का कोड तो हमें दिख रहा है 12 आ गया, ठीक है, उसके बाद किसका देखना है, आई और एम का, तो आई देखिए, आई का कोड इधर से मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5, तो 125, तो 1254, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने करना है, इधर कौन सा जो स्टैंड होगा पूरी इक्वेशन आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक रो में क्या खड़ा, एक बॉय हु इज टेंथ फ्रॉम दी लेफ्ट, एक बॉय है वो इधर से, हम इसको बनाते हैं, ए बॉय हु इज टेंथ फ्रॉम दी लेफ्ट, इधर से वो कौन से रैंक पे आ रहा है, टेंथ पे आ रहा है, ठीक है। इधर मान लिया वो बॉय आया ए, वो कितने रैंक पे है, इधर से टेंथ रैंक पे है, ठीक है, कितने रैंक पे आ गया, टेंथ रैंक पे आ गया, ठीक है, वो इधर से टेंथ रैंक पे आ गया। उसके बाद जो दूसरा बॉय है बी इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट, इधर से नाइन्थ आ गया, ठीक है, बी इधर से कितना है, नाइन्थ आ जाएगा, इधर आ गया बी, ये कितना है, नाइन्थ है, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, इंटरचेंज देयर पोजिशन, उसके बाद उन्होंने पोजिशन अपनी इंटरचेंज की, ए इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है,
पोजीशन इंटरचेंज करने पे ए कितना पहुंच गया 15, इधर से ए इधर तक आके कितना पहुंच गया 15, ए का नंबर 15 वाला हो गया। तो हमने बताना है जहाँ पे जो टोटल हाउ मैनी बॉयज़ कितने होंगे, तो इधर देखना है सबसे पहले इनिशियल पोजीशन ऑफ बी और न्यू पोजीशन ऑफ ए। बी की पहले पोजीशन कितनी थी 9 और इनिशियल पोजीशन कितनी है ए की, इनिशियल पोजीशन है ए की वो कितनी है, बी की इनिशियल पोजीशन कितनी थी 9 और ए की पोजीशन कितनी है 15 है, तो उसमें से एक माइनस कर लोगे तो 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बोट मूव्स फ्रॉम पोर्ट टूवर्ड ईस्ट की तरफ, तो पोस्ट से ईस्ट की तरफ चली कितना 9 miles, जहां पे चली तो कितना चली 9 miles चली, और उसके बाद शी टर्न टूवर्ड्स द राइट, अपने राइट घूमी, राइट चलने के बाद कितना कवर किया 12 mile, उसके बाद शी इफ शी वांट टू गो बैक टू द पोर्ट, अगर उसने दोबारा पोर्ट पे जाना है शॉर्टर डिस्टेंस से इधर से लेके इधर तक, तो नो फ्रॉम हर पोजीशन वो कितने जाने की हाइपोटेन्यूज निकालना है 12 का स्क्वायर 144 और प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर 81, तो 4 और 1 5, 8 और 4 12, 225, तो 225 किसका होगा 15 का स्क्वायर, तो 15 mile ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन, तो इस वीडियो में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज के सेक्शन में बस इतना ही।